अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है जी। आई नो, वेलकम, खुश आमदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ में, फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं कंपनी में अक्सा ज़ादा और इरम आरिफ। आप लोगों को खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। और अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करते हैं कि तमाम ही लिसनर्स बखैर काफियत होंगे, खुशखुर्रम होंगे, शादाबाद होंगे। और लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे, फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सब, और आप सब ने लास्ट वीक क्या किया और कैसा रहा आपका लास्ट वीक, और हम सबके साथ जरूर शेयर कीजिए। लेकिन उससे पहले हमारी जो एक और कॉल है हमारी अक्सा ज़ादा, आपको मैं खुश आमदीद करती हूँ इस शो में। सो वेलकम टू द शो और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और थैंक यू सो मच इरम कि आपने मुझे खुश आमदीद कहा। और अस्सलाम वालेकुम तमाम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इरम का थैंक्स भी करती हूँ कि इरम ने मुझे जो है वो खुश आमदीद कहा, क्योंकि इरम ने भी एक जुमला बोला जिसको उसने कॉपी किया है। वो जुमला था कि आप लोग का पिछला वीक कैसे गुजरा, क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लिसनर्स ये और शायान जो है पहले से डिसाइड करके बैठते हैं कि हमने क्या क्या बोला है ना। वेरी फनी। अच्छा, आप लड़ने आई हैं क्या शो में आते हैं के साथ ही आपने लड़ाई शुरू कर दी यार। नहीं, लड़ाई नहीं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं होता। सर अपने जुमले नए लेकर आया करें, कुछ डिफरेंट लेकर आया करें एक दूसरे से, एक दूसरे के जुमले मत कॉपी किया करें आप लोग ना। शायान को बोलने दो, दो वरना शायान नाराज हो जाएंगे। क्यों शायान? तो मैं तो अपने हिस्से का बोल रही हूँ ना, शायान तो अपनी जगह पे बोलेंगे, लेकिन ये चीज तो उन्होंने बोलनी थी, आपने कॉपी कर ली। आपने बोला नहीं, पहले मैं बोल देती हूँ ताकि शायान ना बोले। अक्सा, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, अभी हम आए हैं, लिसनर्स पर हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ जाएगा ना। बुरी बात है, ऐसे नहीं, ये बैड जो है इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको जस्ट बता रही हूँ कि देखें ये जुमले आपने कॉपी किए हैं, आप कॉपी पेस्ट अच्छा, ना करें। चलें आप भी कोई हमारा जुमला कॉपी पेस्ट कर लें, आप इस काम से ना पीछे रहें, आप भी कर सकती। नहीं, अगर देखो कोई जुमला मुझे अच्छा लगा तो जरूर कॉपी करूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे कोई जुमला अच्छा ही नहीं लग रहा तो मैं क्यों कॉपी करूँ। अच्छा खैर, छोड़े इन सब बातों को, शायान कहाँ चले गए? मैं इंतजार करूँ कि भाई लड़ाई खत्म हो ताकि फिर बोल सकूँ। नहीं, तो इस लड़ाई में क्यों आपने पार्ट नहीं लेना? नहीं, लेकिन मजा नहीं आ रहा ना, मजा नहीं आ रहा शायान। नहीं तो हर दफा एक जैसा थोड़ी होना चाहिए कि भाई लड़ाई हो रही हो तो चुप करो। नहीं, चुपचाप देखो, आराम से आप लड़ो लड़ो आपस में, आप तो लड़े, आप तमाशा देखना चाह रहे थे। हम लेकिन देखें कितने सियाने बच्चे, हमने लड़ाई खत्म ही कर दी। मैंने कहा सर छोड़ो यार। अच्छा, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी ये कहने लगा था कि भाई ये बातें तो हमारी हम ऑफ ईयर भी बात कर लेते हैं, लेकिन लिसनर्स के सामने ऐसे नहीं होना चाहिए ना बार बार, हर दफा। चलो कभी कभार हो जाए ठीक है, समझ चलता है, लेकिन हर दफा नहीं होना चाहिए। तो जनाब आप लोग बताइए कि आपका तो लिसनर्स को भी वैसे पता चल गया होगा कि ये लोग लड़ाके शो में आते के साथ पहले लड़ाई करते हैं और फिर शो का आगाज होता है। तो हमारी लड़ाई भी तो कितनी फनी किस्म की होती है ना। हाँ ये तो है। तो फिर एक काम करते हैं ना कि हम इस शो का नाम रख लेते हैं फाइट टाइम विद शायान एंड कंपनी, सही है? वाह वाह वाह, खा गए आप तो, जबरदस्त जबरदस्त। तो जनाब मैं ये पूछने जा रहा था, जिसमें मुझे इरम ने इंटरप्ट किया, आप लोगों का पिछला हफ्ता कैसा गुजरा, क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया पिया, कहाँ कहाँ घूमे, तो अपना जो फीडबैक है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। सही है भाई, वो है कोई के नहीं? जी जी जी, जी हम हाजिर हैं, हाजिर है। ये कितने और हैं? अच्छा एक बात देखो, कितने हैं हम? हम दो दो, मैं और अक्सा। मैं और अक्सा और अक्सा, एक मिनट अक्सा, एक चीज देखो, अभी जो इन्होंने ये बोला कि हमारे हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, शेयर करें, ये सब
तो कॉपी नहीं किया ना मैंने, आते के साथ शो में लड़ना शुरू कर दिया, ये नहीं सोचा कि बोला क्या है मैंने, सुना इतना तो क्या है तुमने, क्या तुम्हें पूरा कॉपी करना था, तो तुम एक काम करते कि तुम बोलते शायद आप चुप रहे, मैं बोल देती हूँ, पहले से डिसाइड कर लेती नहीं मुझे मुझे कॉपी शॉपी नहीं करना था, मैंने पूछा था। वैसे लगता यही है कि मैंने इसको इंटरप्ट कर दिया, वरना तो हर एक चीज कॉपी कर जाती। जी नहीं, मैंने अक्सा को खुद ही खुश आमदीद कर दिया और बोलने का मौका दे दिया, शायान आप इस्लाम लगाया करें मुझ पे शो में, अच्छा ना। अच्छा एक और बात बताएं इरम, पिछले हफ्तों में तो अक्सा की बर्थडे गुजर गई है, आपकी कब आती है? मेरी तो चली गई, इतने महीने हो गए मेरी बर्थडे गुजरी हुई को, अब तो आगे आगे अगले साल आएगी। मैंने भी यही पूछा कि कब आती, मैंने ये नहीं पूछा कि कब गुजरी है, मैंने भी यही पूछा। नहीं तो आप क्यों पूछ रहे हैं, इस साल में थोड़ी है, ये तो अगले साल आएगी 3 मार्च को। जी 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 3 मार्च को आएगी। अच्छा 3 मार्च को आएगी, तो अभी कम से कम भी 6 महीने बाकी है ना? बिल्कुल 6 महीने बाकी हैं। आपने वैसे क्यों पूछा, आपने गिफ्ट देना था क्या? तो मैं अभी बर्थडे कर लेती हूँ अपने। मैंने सोचा था कि यार आपसे ट्रीट कब लेनी, तो वो अब बोल नहीं सकता ना फिर। बस अभी 6 महीने तक इंतजार करें, जरूर मिलेगी। 6 महीने तक क्या मिलेगी? ट्रीट मिलेगी, ट्रीट। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक, फिर ठीक। तो भाई आप हमेशा आपको हमेशा गलत ही क्यों लगता है, हर बार मैं कुछ गलत बोलूंगी क्या? नहीं, मैं पॉजिटिव ही सोच रहा था, परेशान नहीं हो, हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अली तरीन साहब कहते हैं कि थिंक पॉजिटिव द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, तो सोचोगे पॉजिटिव तो मिलेगा पॉजिटिव। बिल्कुल सही कहते हैं हमारे अली भाई। याद आया कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ये कैसा सवाल कर लिया शायान। मैं बताता हूँ ना, इसकी भी वजह बताता हूँ। आप पहले बताएं आपका ब्लड ग्रुप क्या है। सुनो, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मैंने कभी चेक करवाया ही नहीं। मतलब आपने इतने लोगों का खून चूसा है, आपको पता ही नहीं कि अब कौन सा आपका ब्लड ग्रुप है। तो इतने लोगों का खून चूस लिया ना, अब तो वो मिक्स हो गया ना, अब तो पता नहीं कितने ब्लड ग्रुप होंगे भाई। सीधा बोले भाई, कॉकटेल है आपका। चलो आपने बता दिया ना लिसनर्स को, उन्होंने सुन लिया ना, क्या चाह रहे मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं क्या? अच्छा मैंने पूछा इसलिए था के क्यों पूछा था? ये तो गायब ही हो गए। मैं गायब नहीं हुआ था, मैंने सोच रहे ना कि बोलना क्या था। भाई सोच नहीं रहा था, मैं गायब नहीं हुआ था, मेरा माइक जरा मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि भाई मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपसे आपका ब्लड ग्रुप क्यों पूछा। एक मैंने लतीफा सुना था, एक दोस्त ने अपना दूसरे दोस्त से कहता कि यार बी पॉजिटिव, वो हर जुमले पे मतलब हर बात में उसको बी पॉजिटिव बोलता रहता है। तो आखिरकार दूसरा दोस्त पूछता कि भाई बी पॉजिटिव क्यों कहते हो हर वक्त? कहता है भाई मैं तुझे हर वक्त बताता हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। ये तो सही है। अच्छा तो ये बताना था इसलिए आपने पूछा था। कभी नहीं आ सकता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन इससे तो हमें पता चल गया कि इरम का कॉकटेल है। है ना इरम? जी नहीं मैंने नहीं बताई, शायान ने कहा है। तो शायान तो ज्यादा पता होगा। अच्छा मेरा जो है ना, मेरा ओ नेगेटिव है, बल्कि बी भी नहीं है, मेरा ओ नेगेटिव है और बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, पता आपको बहुत कम। अब मैं बताऊं ये आपका ओ नेगेटिव क्यों है? क्योंकि मैं पॉजिटिव रहता हूं ना इसलिए। नहीं क्योंकि आप नेगेटिव रहते हैं हमेशा, कोई भी बात करने लगो तो आपको ये लगता है कि बंदा सामने वाला कोई गलत बात करेगा, इसलिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था कि मैंने ट्रीट बोला है शायद, ट्रीट। समझे? जब देखे पिछले शो में जब आप आई थी ना तो सोई भी लग रही थी, आज आप थोड़ी सी बहकी भी लग रही है, पता नहीं मुझे दिन ब दिन बिगड़ता हुआ केस लग रहा है। नहीं मैं ये बता रहा हूँ, आप एक काम करें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सही है, मैं जरूर कर लूंगी अगर आप मुझे इलाज के लिए पैसे दे देंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। तो भाई बहुत बहुत अमीर होने हो चुकी है मुझे पता आप। हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, अब छोड़े मैं कुछ कहना नहीं चाह रही इस बात पे, छोड़े अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अरे 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 काम करते हैं, ब्लड की बात हो गई, मुझे भी मेरा ब्लड नहीं पता कि कौन सा ग्रुप है मेरे ब्लड का। तो आप तुम तो मैं बताता हूँ इरम, आप इनको थोड़ा सा अपना ब्लड ग्रुप दें।
तो आपका भी कॉकटेल ही बनता है। जरूरत नहीं है। अच्छा एक और बात मुझे आप लोगों से पूछनी है कि आप लोगों को अंदाजा तो है ना कि आज क्या मतलब अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो गया है ना, ऐसा है? जी 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 बिल्कुल है। एक चीज नोट की होगी कि अभी तक गर्मी की शिद्दत में कमी नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि अभी भी हम लोग तकरीबन जून या जुलाई में घूम रहे हैं। क्या कहते नहीं लेकिन रात को फील होता है, रात को फील होता है थोड़ा सर्दी वाला माहौल, तो इससे अंदाजा हो रहा है कि अक्टूबर आ गया है। रात की बात नहीं मैं दिन की बात कर रहा हूँ। तो नहीं दिन में भी मतलब नॉर्मली सही है मौसम, इतना ज्यादा भी कोई हद तो नहीं। मैं अभी जब मैं स्टूडियो आ रहा था, ठीक है हम गरीब मजदूर लोग हैं भाई, कभी पैदल भी चलना पड़ता है, कभी बसों में भी आना पड़ता है, तो पसीने तो ऐसे टपक रहे थे जैसे कोई टैंकी ओवरफ्लो नहीं हो जाती पानी की वैसे। चलें अब आप आ गए ना, अब आप सुकून से बैठे हैं, हमने आपको पानी वानी पिलाया इसलिए कि आपका पसीना खुश्क हो जाए। लेकिन शायद जब इंसान बाहर निकलता है ना तो उसको जो है वो गर्मी की शिद्दत का ज्यादा एहसास होता है, लेकिन जब घर में होता है तो इतना नहीं पता चलता कि है या नहीं है। ये तो बिल्कुल ठीक है अक्सा। और शायद इसी तरह आप भी अभी आए हैं ना बाहर से, जब आप आ रहे थे यहाँ तो आपको फील हो रही थी कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन है नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है नॉर्मली है, अब मौसम चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। चले मैं आप दोनों की बातों से इत्तफाक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बताएं कि हमारे शो में जो परंपरा है किसी मेहमान को बुलाने की, तो वो कोई है? बिल्कुल बिल्कुल, आज मेहमान है हमारे साथ। इसको क्या होगा, आज का मेहमान ही ऐसा है कि ये अभी से एक्साइटेड हो रही है उसके लिए। मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है। अक्सर ऐसे नहीं करो ना फिर तुम सरप्राइज खराब कर दोगी। सरप्राइज क्या खराब करना, मैं तो बता रही हूँ ना कि अब इतने अच्छे हमारे कैरेक्टर आ रहे हैं कि उनके सरप्राइज क्या खराब करना, वैसे भी पता चलने वाला है सबको। तो चलो फिर बुलाए, ये तो बताए कौन है, तो चलो फिर बुलाते हैं ना। हम बुला लें? कोई बुला लो भाई। आज हमारे शो में हमने एक बावर्ची को इनवाइट किया है जो कि बहुत अच्छे बावर्ची हैं, और बिल्कुल जब उनसे बात करते हैं हम लोग तो उनसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है और हंसाते हैं वो और बहुत मजे मजे की बातें करते हैं। सो इरम उनको इनवाइट किया जाए, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओए वालेकुम अस्सलाम। ओए आपने मेरा ने तारूफ गलत करवा दिया है, मैं बावर्ची नहीं हूँ तो मैं तो शेफ हाकिर हूँ। हाकिर? अच्छा आप शेफ हाकिर? वो नाम सुना हुआ ना आपने, शेफ जाकिर, उसका कॉपी पेस्ट शेफ हाकिर। अच्छा। लेकिन जब मैं आपसे अभी ऑफ एयर बात कर रही थी तब तो आपने मुझे बावर्ची का बताया था। ओ भाई अब तो मैं ऑन एयर आ गया हूँ ना, मशहूर होने लगा हूँ तो इसलिए। अच्छा यानी क्या आप चाहते हैं कि लिसनर्स आपको जो है ना शेफ समझ कर सुने, शेफ हाकिर? शेफ हाकिर। अच्छा चले ठीक है ओके जी। तो शेफ जाकिर साहब क्या हाल चाल है आपके? हाकिर हाकिर है, हाकिर हाकिर। ओह माय गॉड कैसा आपका। चले ठीक है हाकिर साहब बताइए क्या हाल चाल है आपके और क्या मतलब। बहुत बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ बढ़िया हूँ, जैसे बढ़िया होती है ना बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। देखो मैं तो अपनी बातों से खाना निकाल लेता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने जब अपने काम का स्टार्ट लिया तो ये आपका शौक था या किस तरीके से आपने काम का स्टार्ट किया? मेरी मजबूरी थी, मेरे घर में कोई पकाने वाला ही नहीं था तो मैं अपने लिए खुद पकाता था और फिर खुद ही खाता था, क्योंकि वो कोई खा नहीं सकता था फिर इस कदर। इसका मतलब आप इसका मतलब अपने घर में पकाते थे और अब वाकई में शेफ हाकिर बन गए, क्या बात है आपकी। तो मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं पकाता अच्छा था वैसे? मैं खाता था और अभी भी यही होता है। मैं अच्छा चलो एक बात बताएं, खाता हूँ भाई पहले मुझे बोलने दो। अच्छा ठीक है एक मेरी बात सुने ना। हो गई भी अब तो मुझे समझ आ गई हमारा शो। अच्छा अब मेरी बात सुने, मजे का सवाल आपसे करने लगी हूँ मैं, उसका बहुत ही प्यारा सा जवाब देंगे आप मुझे बताएं। आपको खाने में क्या क्या बनाना आता है?
और मैं तो बेवकूफ बना लेता हूँ, पागल गोश बना लेता हूँ, पागल गोश, ये पालक गोद मत समझ जाना, ठीक है ना? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने डिशेस बताया। बेवकूफ का भरता बना लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जैसे बताया कि आप खुद बनाते हैं और खुद खाते हैं, तो आप मतलब बेचते नहीं है, मतलब कोई आपसे खरीदे? भाई कोई नहीं इतना मजे का बनता ही नहीं है, कोई खरीदे मुझसे? आपको पता है मैं तो पानी भी बना लेता हूँ। अरे वाह, पानी कैसे बना लेते हैं? बस किचन में जाता हूँ, नलका खोलता हूँ, पानी बन जाता है। क्या ये तो अच्छा कुछ और, ये जो आपने बताया पागल गोश्त, बेवकूफ का भुर्ता, बेवकूफ, तो ये आप कैसे बनाते हैं? जरा ये बहुत अच्छी अच्छी डिशेज हैं, आप जरा इनके बारे में बताएंगे? मेहनत नहीं पड़ती यहाँ, मैं ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती भाई। अच्छा फिर कितनी मेहनत की जरूरत पड़ती है? भाई थोड़ी सी मेहनत लगती है, बस उसके अंदर गोश्त डालना होता है, बेवकूफ तो बहुत सारे घूम रहे होते हैं, पका के बस उसको काट बीट के पका लो। या अल्लाह, तो आप नहीं तो गोश्त कौन सा वाला डालते हैं, चिकन का, बीफ का, मटन का, ये तो बताएं। और नहीं वो मैं ऑनियन नहीं बता सकता, छापा पड़ जाएगा। तो सब कुछ हम ऑनियन ही पूछ रहे हैं, तो जब आप ऑनियन ये बता सकते हैं कि आप बेवकूफ का भरता बना लेते हैं, आप पागल गोश्त बना लेते हैं, तो रेसिपी शेयर तो करें, हम भी तो ट्राई करें कम से कम। कैसे शेयर कर दूं? आप मुझे बताओ, कभी आपने शेफ जाकिर को पूछा है कि फलानी रेसिपी की क्या वो होता है? अच्छा वैसे भाई हम आपको बना के खिलाते हैं। अच्छा वैसे हाफिज साहब, एक किसी ढाबे पे गए हो, ढाबे पे जाके बोलो कि भाई हमें खाना नहीं खाना, आप हमें रेसिपी दे दो, क्या बोलेगा वो आपको बताओ? हाँ वो देगा तो नहीं, लेकिन आपसे तो पूछ सकते ना, आप तो हमारे मेहमान, बोलो क्या बोलेगा वो, बताओ तो सही। लेकिन लेकिन देखिए ना, आप अगर फिर भी बताएं ताकि हमारे लिसनर्स जो है ना, मतलब आप अपनी मजे मजे की रेसिपीज बता रहे हैं, तो हमारे लिसनर्स को सुन के हंसी आ रही है, खुशी हो। चलो आप बताओ क्या क्या, कौन सी रेसिपी पूछ रही है मुझसे, पूछो। ये पागल गोश्त वाली रेसिपी बताएं। पागल गोश्त में आपने 1 किलो प्लास्टिक डालना है, ठीक है जी, उसको अच्छे तरीके से पानी में भूनना है। अच्छा पानी में भूनते भूनते जब वो पिघल जाएगा प्लास्टिक, तो उसमें आपने 2 नट बोल्ट डाल देने, और नट बोल्ट देख लेना कि दरमियाने साइज के हो, ज्यादा बड़े ना हो, ज्यादा छोटे भी ना हो। जबरदस्त जबरदस्त। उस नट बोल्ट के बाद आपने उसमें आधी प्याली ग्रीस डालनी है, सही है भाई। आखिर में आपने उसमें लहसुन का तड़का दे देना लाजमी तौर पे, वरना फिर जायका नहीं आता। असली वाला लहसुन का, असली वाला लहसुन का तड़का लगाएंगे ना। बाकी चीजें आपने अगर नकली डाली हो तो लहसुन भी नकली डाल लेना फिर। असली डाली है तो लहसुन भी असली डलेगा ना भाई। डिश आपको असली खानी है कि नकली खानी है? अच्छा अच्छा, खैर शेफ हाकिर साहब एक बात बताएं जरा। हाँ जी, आपने अभी भी कहा, आपने अभी भी कहा कि आप खुद ही खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं, ठीक है, तो आप क्या, आपने अपना नाम शेफ हाकिर कैसे रख लिया खुद से ही, और आप हर जगह यही नाम बताते हैं, तो ये क्यों? बस यार इसकी भी एक बड़ी लंबी दास्तान है, मैं आपको बताऊंगा फिर किसी दिन, अगले शो में बुलाएंगे ना कभी, पता नहीं बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे मुझे। अच्छा चले ना, चले छोड़े, आप रेसिपी चले, पहले बता दो दे, पहले हर वक्त थोड़ी थोड़ी बात आप कहनी, चले चले। नहीं देखें देखें मेरी बात सुने, आप जो है ना ये जो रेसिपी आप बता रहे थे इसको कंप्लीट तो करें, मुझे तो ये हो गई ना खत्म, अब बाजी क्या घर पे जाओगी, मेरे घर तक छोड़ने जाओगी मुझे, बस करो मतलब एक रेसिपी बता दी है। अच्छा नहीं नहीं अक्सर रेसिपी खत्म हो गई, छोड़ दो इनको। नहीं नहीं रुको, जब हम इन्हें इस रेसिपी को खाएंगे बना के, तो लिस्टर्स का क्या हाल होगा और हमारा क्या हाल होगा? मतलब मैंने कब बोला कि भाई ये खानी है आपने? मैंने बोला खाओ है? तो इसको तो ये कैसी, तो ये कैसी रेसिपी है जो खा भी नहीं सकते और हमने सुन ली और आप भी बना लेते हैं? करो ना, दो फोन करो बंदे को, खाना घर पे दे के जाएगा, मतलब क्या? ठीक है समझ में नहीं आई तो भाई मेरे बात पे हंसते हो। हाँ आपकी लॉजिक समझ में नहीं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं भाकिर का। रुके 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 रुके, आप नहीं, आप अपने आखिरी सवाल का जवाब देंगे और उसके बाद जाएंगे, इतनी आसानी से आपको यहाँ से। आखिरी सवाल का मतलब क्या, इसके बाद मैं मर जाऊंगा?
अभी पता नहीं, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो है वो अभी आपने हमारे क्योंकि हमारे शो का आखिरी सवाल ना, पता नहीं फिर आप दूसरे शो में आए या ना आए तो ये बोले कि भाई इस शो का आखिरी सवाल जी 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 तो देखें अभी जो इरम ने आपसे सवाल किया कि भाई आपने अपना नाम हाकिर क्यों रखा, तो आप बहुत मुख्तसर से अल्फाज में ये बात कंप्लीट करें कि आपने क्यों अपना नाम हाकिर रखा। भाई मुख्तसर सा जवाब यही है कि मैं इंशाल्लाह फिर कभी किसी शो में जवाब दूंगा। बहुत मुख्तसर सा जवाब जवाब है कैसा, ये तो गलत बात है, आप छोड़ क्या बात जबरदस्त जबरदस्त भाई आप अपना पेपर छोड़ के जा रहे हैं, आपने इसमें एक सवाल छोड़ दिया आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं, मैं कोई यहाँ पे कोई टेस्ट देने थोड़ी आया था, जॉब के लिए थोड़ी आया था। और आपको आपकी पेमेंट भी पूरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने हमारे लिसनर्स को सही गाइड ही नहीं किया। आप फिक्र ही नहीं कर रही है, कोई शो छुड़े गई। और वैसे हाकिर साहब आपने हमसे रेसिपी भी एक ही शेयर की है, आपने हमें बेवकूफ का भरता बनाना तो सिखाया ही नहीं। जी बिल्कुल, आप लोग इस शो में ऑलरेडी तो बन रहे हैं ना, मसला यही है ना। आप ठीक कह रहे हैं, चले आप जा सकते हैं। हेलो भाई, वो जो भाई मुझे बंदा भेजा था ना आपने भिजवाने के लिए, उसको वापस बुलवा लो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है जी, चलो भाई, ठीक है जी, ठीक है, रब रखा रब रखा, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। हाँ ओके शायन आप आ जाइए, फाकिर तो ये थे जी हमारे, नहीं ये थे हमारे जो थे शेफ हाकिर साहब थे, और बड़े ही नाइस बंदे थे और बड़ा ही मजा आया वैसे मुझे तो इनसे बात करके। सयान और रक्षा तुम लोग को कैसा लगा वैसे? और लिस्टनर्स इन्होंने जो है ना पागल गोश्त बना के खिलाया है हमें, ये देखिए पागल गोश्त आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, मतलब इन्होंने रेसिपी बताई खिलाया नहीं है। हाँ बहुत मजे की रेसिपी थी, वैसे सुनने से लग रहा था भाई मैं भी बोलूं या नहीं बोलूं, बोले मतलब इस पूरे। अच्छा बोल ले बोल ले कब्जा बोल ले बोल ले। नहीं शायद आप पहले ये बताएं कि आपको पागल गोश्त की रेसिपी सुन के कैसा लगा? मुझे वो शेफ कम मिस्त्री ज्यादा लग रहा था। वो कैसे शायान? मुझे पता नहीं कि भाई ये नट बोल्ट ग्रीस खाने में कौन डालता है यार, आखिर में लहसुन का तड़का डलवा रहा देखो यार। तो इसीलिए तो मैंने पूछा था कि लहसुन भी असली डाल ले नकली। चले यार ये तो बड़ा मजेदार सा हो गया शो, तो अब एक काम करते हैं कि इससे भी शो से अलविदा लेते हैं, क्या कहते हैं आप लोग? वक्त बहुत हो गया। बिल्कुल अलविदा लेना चाहिए, लिसनर्स हमारे अब जाना हमें कह रहे हैं, चले जाओ पहले के, हमें और भी काम है पहले के, जल्दी चले जाओ कि शेफ हाकिर दोबारा आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, अब कोई नया शेफ ना आ जाए तो हमें बेवकूफ का भरता बनाना सिखा के चला जाए। तो जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे इस बड़े मजेदार से शो को सुनने के लिए, फन टाइम में शायान एंड कंपनी, कंपनी में इरम आरिफ, अक्सा ज्यादा। अच्छा मैं जब भी अक्सा का नाम लेता हूँ ना, मुझे अक्सा ज्यादा की बजाय ना बहुत ज्यादा बोलने का दिल चाहता है, अक्सा बहुत ज्यादा। ये ठीक है तो अक्सा आप क्या कहती है, मैं बोल लिया करूँ आपको बहुत ज्यादा? बिल्कुल बोल लिया करें, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, अब आपने बोल दिया क्या भाई, रेडियो वाले का काम ही होता है बोलना, और क्या कह सकते हैं ना, जैसे कि हमारे शायान बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं ना। ये अच्छा था इरम। क्या क्या कह रहा, मैंने जरा गौर से दोबारा बोलिएगा। थैंक यू अक्सा, नहीं लेकिन हम एक बार भी बोलते हैं, वो लिसनर्स से सुन लिया ना वो काफी है, क्योंकि हमारे पास ना वो रिवाइंड करके प्ले का बटन नहीं है। फिर भी जरा बताएं तो सही, मैंने वाकई में गौर नहीं किया, मैं जरा मेरा दिमाग ना सातवां स्तंभ पे चला गया था एकदम। अक्सा तुम बताओ, अक्सा तुम बता दो, मैं नहीं देखे नहीं भैया आपका दिमाग क्यों नहीं, आप शो कर रहे थे, आपका दिमाग इस वक्त शो पर होना चाहिए ना, आपको पूरा कॉन्सेंट्रेट शो के उस पर होना चाहिए ना। और आपने भी खुद ही कहा कि रेडियो पे हमारा काम है बोलना, तो अब मैं सिर्फ बोले फिर मैं पैनल भी संभाल रहा होता हूँ, ऐसा नहीं होता। अच्छा पैनल संभाल रहे होते हैं, ओ हो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि बस यही सब कुछ कर रहे होते, दूसरा मतलब कुछ भी नहीं कर रहा होता है। हाँ मतलब एहसान कर रहे हैं ना हमारे साथ शो करके ये। नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरे पे एहसान कर रहे हैं भाई, कंपनी कंपनी सिर्फ मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन चल आप लोगों की वजह से रही है, तो मैं आप लोगों का चले 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 चले। आपने हमें किसी काबिल तो समझा।
मैं तहे दिल से मशकूर ममनून और शुक्र गुजार और जितने भी आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। क्या बजा अदब नहीं, क्या बजा लाता हूँ, वो नहीं अदाब बजा लाता हूँ, लेकिन अदाब तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, क्योंकि आप कोई आप सलाम वलाम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपका शुक्रिया बजा लाता हूँ, शुक्रिया बजा लाता हूँ। चलें छोड़े अब हम लिसनर्स से, आमद का आपकी आमद का बहुत शुक्रिया मेरे शो में। आप लोगों ने आके मेरी शो को चार चांद लगाए, दो सूरज लगाए, ओह माय गॉड थैंक यू 10 दरख्त लगाए, 2 पौधे लगाए, 3 फिल्टर प्लांट लगाए, बहुत कुछ लगाए। अच्छा अभी हमें इजाजत ले ले अपने लिसनर्स से, क्या कहते हैं आप? जाहिर सी बात है जनाब, क्योंकि पहले वो शेफ हाकिर आए थे, वो पका के गए, उन्होंने तो अब हमारी बारी क्योंकि नहीं हमारी बारी तो है, लेकिन शान की बारी ज्यादा है, क्योंकि शान का काम ही बोलने वाला है। और हमारा काम है सुनने वाला। चले वेरी गुड, थैंक यू सो मच इरम और अक्सा, आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, अक्सा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो मैंने अपनी बात को कवर भी कर लिया, अक्सा को पता भी नहीं चला और मैंने उसको कह भी दिया। मैं तो इनको वो बात बताना चाह रही थी जो इन्होंने की थी, मतलब वो तुमने जो इनके बारे में की थी जो सुनी नहीं थी। अरे हाँ बिल्कुल इनको बताओ। चले वो हम ऑफ ईयर बात आपसे सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिसनर्स इसी तरीके से सुनते रहिएगा रेडियो सबका साथ में, फन टाइम विद शायान एंड कंपनी, और हमें आगाह करते रहिएगा कि आपको शो कैसा लगता है, क्या इसमें तब्दीली चाहिए, अगर तब्दीली नहीं चाहिए तो भी बताइएगा, और चाहिए तो भी बताइएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे अक्सा को और इरम को याद रखिएगा, आपके दोस्त आपके होस्ट को इजाजत दीजिए, तब तक अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। मेरी जानिब से भी आप तमाम लोगों को अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फी अमान अल्लाह। और मेरी तरफ से भी तमाम लिसनर्स को अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर, मुझे और मेरी कंपनी को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।